हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी सद्दाम कंप्यूटर में। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एमएस वर्ड में इस तरीके का लोगो किस तरीके से डिजाइन करते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और लोगो बनाना आप सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफिस बटन में आइए और न्यू पे क्लिक कीजिए और ब्लैंक वर्कबुक एक बना लीजिए, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट कीजिए तो ये आपका ब्लैंक बन जाएगा। इसके बाद आपको आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ सेव, सेव में आने के बाद यहाँ देखिए रेक्टेंगल टूल है, सॉरी स्क्रॉल टूल है, यानी गोला बनाने के लिए इस तरीके का, इसको इस तरीके से आप ड्रैग करके छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का बन करके तैयार हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि ये टेढ़ा हो गया, लेकिन इसको आपको प्रॉपर सीधा बनाना है। तो किस तरीके से करेंगे, चलिए इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद फिर से आएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद सेव, सेव के बाद यहाँ आएंगे हम, यहाँ पर डॉट टूल है, इसको शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ में इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आपका सीधा गोला बनेगा, एकदम परफेक्ट इस तरीके का। अब देखिए कि सेंटर वाला छोटा है, बाहर वाला बड़ा हो जा रहा है, तो आप यहाँ देखिए एक छोटा सा पीले कलर का बटन है, इसको पकड़ के इस तरीके से ड्रैग कीजिए तो ये अंदर वाला भी बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। आप इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, इसको फॉर्मेटिंग करना बहुत ही आसान है। यहाँ ऊपर में देख लीजिए बहुत सारा टूल पड़ा हुआ है, इसमें से आप किसी एक को चुन लीजिए। फिलहाल मैं इसको चुन लेता हूँ, ठीक है, जो कि अच्छा लग रहा है, या इसको रख लेता हूँ, इसी को रख लेता हूँ जो कि अच्छा दिख रहा है। इसके बाद आप अलग तरीके से भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, कोई भी अब दिक्कत क्या होता है, टेक्स्ट यहाँ पास जब टेक्स्ट लिखेंगे तो ये हमारा वर्क नहीं होता है, तो इसको किस तरीके से हम वर्क करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, होम टैब में आना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ वर्ड आर्ट आएगा, यहाँ पास माउस का कर्सर देखिए वर्ड आर्ट, इसमें से आपको यहाँ तीसरे नंबर वाले पे क्लिक करना है और जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, मैं अभी अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ सीजी सद्दाम, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर जो इसका फॉन्ट है मैं चेंज कर देता हूँ, तो लिख देता हूँ यहाँ पर सीजी सद्दाम, टोटल बड़ा लिख देते हैं क्योंकि अच्छा रहेगा, ठीक है, सीजी सद्दाम इस तरीके से कंप्यूटर इस तरीके से। इसके बाद ओके पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो अभी हम इसको मूव करेंगे तो ये हमारा मूव नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क टेक्स्ट वर्पिंग इस पर क्लिक करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे तो अब हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। नीचे वाले को इस तरीके से आपको ड्रैग करना है इस तरीके से, और इधर साइड वाले को आप इस तरीके से छोटा कर लीजिए जितना आपको आवश्यकता है इस तरीके से, और अपने सर्कल में इसको सेट करने की कोशिश कीजिए, आसानी से सेट हो जाएगा। देख लीजिए हमारा यहाँ लगभग हो रहा है। इसके बाद क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, ठीक, इस तरीके से थोड़ा सा, और मैं इसको इतना अच्छा एडजस्ट कर लिया, इधर थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब देखिए यार मेरा अभी खूबसूरत दिखने लगा, थोड़ा सा इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँगा इस तरीके से। अब हमारा टेक्स्ट आसानी से इसमें क्या है कि एडजस्ट हो जाएगा, ये देखिए। अब देखिए इतना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अब नीचे वाला जो टेक्स्ट है, क्योंकि उल्टा साइड से इसको घुमाना रहता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ उसको, वो भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंसर्ट में आइए और यहाँ वर्ड आर्ट टेक्स्ट में आइए और कोई भी एक टेक्स्ट को ले लीजिए। चलिए मैं फर्स्ट वाले को ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं क्या लिख दूँ, एजुकेशन लिख देता हूँ, एजुकेशन इस तरीके से, और ओके पे क्लिक करता हूँ। अब ये अभी मूव करेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ देखिए टेक्स्ट वर्पिंग, इस पर क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये हमारा जहाँ आपको करना चाहे इसको आसानी के साथ में कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखिए क्या दिक्कत है कि ये सीधा का सीधा है, अब इसको हमको इसको राउंड करना है, यानी कि गोला आकार देना है, तो कैसे देंगे हम, तो यहाँ पर देखिए चेंज शेप, यहाँ देखिए हमारा माउस का कर्सर चेंज शेप लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए और इसको उल्टा साइड से इस तरीके से क्लिक कर दीजिए, यहाँ से उल्टा वाला में इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, यहाँ जो माउस का कर्सर लाएंगे तो इसको ऊपर के साइड में इस तरीके से ड्रैग करना है, तो कुछ इस तरीके से होगा, और इधर वाले को थोड़ा इस तरीके से छोटा करेंगे, हल्का हल्का इस तरीके से, जितना में आपका एडजस्ट हो जाए, ठीक, उतना आपको इस तरीके से कर लेना है और इसको एडजस्ट करना है।
जब तक आपका एडजस्ट ना हो जाए फटाफट से इस तरीके से आप इसको करते रहिए, जब तक एडजस्ट हो जाए ठीक इस तरीके से। थोड़ा सा इसको ऊपर ही लेंगे और इधर वाले को थोड़ा सा इधर करेंगे इस तरीके से, इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे और इसको नीचे ले आएंगे थोड़ा इसी तरीके से, आसानी से हो जाएगा, आप टेंशन मत ना ले, बहुत ही आसान है इस तरीके से। ठीक, हल्का हल्का ऊपर करना है, थोड़ा सा मैं कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसको राउंड कर देते हैं इस तरीके से, हल्का सा, थोड़ा ज़्यादा हो गया इतना। तो ये लगभग मेरा परफेक्ट बन चुका है इस तरीके से, अब हमारा ये बन चुका है। अब इसको हम चाहें तो थोड़ा सा इसको हम बदल सकते हैं, इसका जो शेप कलर है इसको शेप कलर में हम किसी दूसरे कलर को दे देते हैं, इस कलर को दे देते हैं, और शेप का आउटलाइन कलर रेड कलर में दे देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पास एक स्टार लगाएंगे, तो स्टार लगाने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पे, इंसर्ट पे आने के बाद शेप, शेप में आने के बाद यहाँ देखिए स्टार है, इसको ले लीजिए इस तरीके से आप, इस तरीके से, और इसको यहाँ पास कर लीजिए ठीक, और कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको छोटा कर लीजिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पास सेंटर में रख दीजिए, एक हो गया। और इसका क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का हम डिजाइन दे देते हैं, थोड़ा सा इसको कंट्रोल बटन को प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके का, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये देखिए थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया कोई दिक्कत नहीं चलेगा इस तरीके से। और इसको ही कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके इधर साइड में हम लगा देंगे, इधर इस साइड में, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारा अच्छा लगने लगा। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ सेंटर में एक इमेज लगाएंगे, तो इस इमेज को लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट में आएंगे, यहाँ क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट है यहाँ, क्लिप आर्ट में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास साइड में एक बार ओपन होगा इस तरीके से क्लिप आर्ट का। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे कंप्यूटर, ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर, इसके बाद सर्च करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर आ जाएंगे, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा। इसको हमको क्या करना है कि इसको टेक्स्ट में आ करके इन फ्रंट टेक्स्ट कर देना है। अब इसको हम मूव कर सकते हैं और इसको छोटा करके आप सेंटर में यहाँ पास रख दीजिए, जो कि ये अब अच्छा लगने लगा इस तरीके से। इसके बाद नीचे भी आपको एक लगाना है, मैं यहाँ पर रिबन लगाऊंगा, इंसर्ट में आऊंगा, शेप में आऊंगा, सबसे नीचे देखिए यहाँ पास इसको लेंगे कुछ इस तरीके से, इसको रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद इसको क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा अच्छा लगने लगेगा। इसमें हम एक टेक्स्ट लिखेंगे, तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम कुछ भी ले लेते हैं, इंसर्ट में आएंगे वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में फर्स्ट वाला को ले लेंगे और यहाँ पे टाइप कर देते हैं सद्दाम, ठीक है, इस तरीके से हम टाइप कर दिए। और इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ वर्ड टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसके बाद इसको मूव करके हम यहाँ लाएंगे नीचे पे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से छोटा करेंगे और इसमें सेट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, थोड़ा सा इधर से भी इसको, इस तरीके से थोड़ा सा इधर से भी, तो ये हमारा देखिए अच्छा लगने लगा लोगो, बहुत ही खूबसूरत लोगो दिखने लगा। और भी बहुत सारे कुछ कर सकते हैं इसमें, आप इस टेक्स्ट का भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, फॉर्मेट में आ करके इसका शेप कलर जो भी आप रखना चाहें, मैं पीला कलर कर देता हूँ ठीक, आउटलाइन में अगर लेना चाहे तो कुछ आउटलाइन कलर भी इस तरीके से आप दे सकते हो, इसका भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ फॉर्मेट में आने के बाद, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ब्लैक वाला ही अभी अच्छा लग रहा है मेरे केस में। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।